आई फाइंड माई सेल्फ नाम फ्रॉम फन टाइम। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहिए यदि आप कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो बिटकॉइन है और बाकी जो करेंसी है जो अंडर फाइव है, अंडर टेन में तो काफ़ी ऐसी करेंसी है जो $1 से भी कम है, उसको आप आराम से खरीद सकते हैं। इसके लिए आप रिपल, इथरम, इथरम क्लासिक और बिटकॉइन गोल्ड, बिटकॉइन कैश ये आप आराम से बाइनेंस से खरीद सकते हैं। इसके लिए अभी करंट में क्या हुआ, एक करेंसी जो अभी लग जो 30 तारीख को शाम तक, और जिसकी कॉस्ट थी मैं मुश्किल में $0.03, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आप $1 से तो ₹2.5। अब उसकी 3 दिन बाद कॉस्ट, जैसे 4 तारीख को शाम को और 5 तारीख को आज, मतलब जस्ट 5 दिन बाद उसकी कॉस्ट 7 गुना बढ़ती है। मैं इसको ख़रीदा था, यहाँ आपको क्या करना है, बाइनेंस में जाना है, बाइनेंस में जाना है, बाइनेंस में जाके TRX एक कॉइन है जिसकी कॉस्ट है अभी, जिसकी कॉस्ट थी $0.04। यदि आप मैं इसको दिखाऊंगा, जो मैंने पहले ट्रेड किया है, मैं इसको 39,000 रुपये का ख़रीदा था, अभी तो इसको मैंने काफ़ी लगभग $0.21 का ख़रीदा, इससे पहले मैं $0.03 का मैंने कुछ ख़रीदे थे जिनकी थी, आप यहाँ देखेंगे सबसे नीचे 14,804 TRX थे, मैं ट्रॉन कॉइन थे जिसकी कॉस्ट 39,000 मैंने ख़रीदा था। और इसको मैंने क्या किया, इसको बेचा मैंने, इसको दूसरे दिन इसको मैंने बेचा, इसको बाय करके जस्ट मुश्किल $0.04 में बेच दिया, ऑटोमेटिक सेल लगा दिया, मतलब बिड लगा दी तो उसको ऑटोमेटिक वो सेल हो गया। यहाँ देख सकते हैं यहाँ 0.50246 में मैं ख़रीदा था, 280 में बेच दिया था इसको, तो मैक्सिमम इसको 4,000 फ़ायदा हुआ। यदि इसको मैं 4 दिन रोकता तो इसकी कॉस्ट आज सुबह तक गया है $0.28 तक। यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे 14,818 का, यदि मैं यहाँ कैलकुलेटर में आपको दिखाऊं, जैसे 64.04, मतलब मेरे $0.28 था पहली परचेजिंग कॉस्ट आपका, इतने में सेल करेंगे, बाय किया था आपने $0.03 में, तो आपका फ़ायदा हो रहा है $0.25। इसका 64 कॉस्ट होती है, 64 $1 कॉस्ट होती है, मैं 14,800 कुछ इतना है, तो मतलब 237,000 मुझे सीधा प्रॉफिट मिला। यदि 5 दिन में यदि रोकता, एक ऐसी करेंसी ये ट्रॉन है, हीरो से नीचे है, BTS, बिट शेयर, रिपल भी अच्छा है, इसको आराम से खरीद सकते हैं। ट्रॉन यदि आप रिपल का पिछले नवंबर की कॉस्ट देखते हैं, नवंबर दिसंबर 1-2 को, उससे भी थोड़ा पहले, तो इसकी कॉस्ट ₹16 थी, अभी तो आप देख सकते हैं $3 हो रखी है इसकी, 256.60 रुपये हो रखी है, मतलब बढ़ रही है इसकी और कॉस्ट। इस प्रकार मेरे के इसके कहने का मतलब है कि आप एक छोटी सी कॉइन 10 से 20 या 30 हज़ार रुपये का आराम से खरीद सकते हैं, जो $1 से कम है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक साल में अच्छे पैसे कमाना चाहूँ, यदि आप कमाना चाहते हैं तो यहाँ जैसे TRX ट्रॉन हो गया, XRP आपका रिपल, XBG और XBTS, इसकी कॉस्ट आज डाउन जा रहा है, इसके आप चाहते हैं आराम से इसमें हमसे पैसा अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा। इसमें मैंने भी कुछ खरीद रखा है, जिसमें ये दिख रहा है मेरा इतना BTC, मैंने इसको ख़रीदा था एक लगभग 7 था इसका, $1 से भी कम, $0.25 था, इससे इसकी कॉस्ट लगभग साढ़े तीन, मतलब 3% बिटकॉइन हो, 0.03 बिटकॉइन था, अभी हो पाया है पॉइंट, मतलब घट गया है,
यानी कि मतलब ये यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आराम से एक डेढ़ साल के लिए इसको रोक के रखिए, जैसे आप 2-3 महीने के लिए रोक के लिए रखेंगे तो भी इसमें काफ़ी फायदे हैं। क्योंकि जो BTC, जो बिटकॉइन है, इथरम है, बिटकॉइन तो नहीं खरीद सकते, बिटकॉइन की कॉस्ट काफ़ी है। और अब आराम से जैसे इंडिया में है तो आराम से जो भी इंडियन जेब पे है यूनिकॉइन कॉइन शिकोर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, इससे इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आराम से परचेज कर सकते। कहने का मतलब है कि आराम से अभी यदि इसमें इन्वेस्ट करेंगे अब 4-6 महीने भी रुक गए इसमें आराम से लखपति हो सकते हैं, करोड़पति तक से ऊपर जा सकते हैं। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड आशा करता हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।